नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी के फास्ट ट्रैक रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। पिछले लेक्चर में हमने छत्तीसगढ़ की जनजातियां कला एवं संस्कृति के अंतर्गत जनजातियों से संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज के लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले लोक पर्वों से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम जनजातीय अंचल में विशेष तौर पर मनाए जाने वाले लोक पर्व और पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा मनाए जाने वाले लोक पर्व, दोनों लोक पर्वों की चर्चा करने वाले हैं। पहला सवाल है सूची 1 जनजाति और सूची 2 पर्व। जनजाति और पर्व को हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। अबू जमाड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा करसार पर्व मनाया जाता है। देखिए, करसार एक नृत्य भी होता है जिसे मुरिया जनजाति के लोगों के द्वारा घोटुल में लिंगोपेन की स्तुति में किया जाता है। तो ये करसार से भिन्न है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो सेकंड लेटर है यहाँ पर रा है और इसका सेकंड लेटर क है, ठीक है। यहीं से आप अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा, लारू काज पर्व गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। कोरा पर्व कोरवा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और भीमा जत्रा पर्व दोरला जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं कि इन सभी पर्वों में क्या क्या किया जाता है। तो करसाड़ पर्व, इस पर्व को माटी तिहार के बाद, माटी तिहार चैत्र माह में मनाया जाता है और वर्षा ऋतु से पहले, इस बीच में अबू जमाड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। मतलब कि ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के मध्य में इस पर्व को मनाया जाता है। क्या किया जाता है, तो इस पर्व में अच्छी फसल की कामना के लिए गोत्रीय देव की पूजा की जाती है और इस पर्व के दौरान लड़का एवं लड़की इन दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से नृत्य का आयोजन किया जाता है और इस नृत्य के दौरान जीवन साथी का चुनाव भी किया जाता है। तो दो महत्वपूर्ण बातें जो आपको इस पर्व से संबंधित ध्यान में रखना है, एक तो ये कि अच्छी फसल की कामना के लिए सामूहिक रूप से इस पर्व को मनाया जाता है और इस अवसर पर गोत्री देव की पूजा की जाती है, और दूसरा, इस पर्व के अवसर पर जीवन साथी का चुनाव भी किया जाता है। लारू काज, लारू का अर्थ होता है दूल्हा और काज का अर्थ होता है अनुष्ठान। ये एक प्रकार का विवाह उत्सव है और ये सुवरों के विवाह का सूचक है, ठीक है। 9 से 12 वर्ष के अंतराल में नारायण देव के सम्मान में गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा लारू काज का पर्व मनाया जाता है, ठीक। कोरा का पर्व कोरवा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। कृषि से संबंधित पर्व है। भादो के माह में कुटकी के फसल को काटने के पश्चात कोरवा जनजाति के लोगों के द्वारा कोरा का पर्व मनाया जाता है। कोरवा जनजाति के लोगों के द्वारा 3 प्रमुख रूप से पर्व मनाया जाता है। बीज बोहनी, जो कि बीज बोने से पहले मनाते हैं, कोरा, कुटकी के फसल को काटने के बाद मनाया जाता है, और ढेरसा। ढेरसा ये जनवरी के माह में सरसों के फसल को काटने के बाद मनाया जाता है, ठीक। भीमा जत्रा क्या है, इस पर्व में ना ये दोला जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। 3 साल के अंतराल में ज्येष्ठ के माह में भीमा देव के सम्मान में इस पर्व को मनाया जाता है, इसीलिए इस पर्व का नाम भीमा जत्रा है। इस अवसर पर भीमा देव और धरती इन दोनों का विवाह रचाया जाता है और इसी अवसर पर अच्छी वर्षा की कामना के लिए अन्य क्षेत्रों में कपल पिंडुक का भी त्योहार मनाया जाता है। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग जनजातियों के द्वारा इस प्रकार से अलग अलग पर्व को मनाया जाता है। CGPSC इस प्रकार के सवाल को पूछती है, वो आपको जनजातियों के नाम दे देगी और आपको मैच करना पड़ेगा कि किस पर्व को किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। कभी कभी इस प्रकार से भी सवाल पूछा जाता है कि आपको किसी पर्टिकुलर पर्व के बारे में पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर पर्व मेघनाद का पर्व किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है और 4 जनजातियों के नाम आपको दे दिए जाएंगे। मतलब कि जब भी जनजातीय अंचल में मनाए जाने वाले पर्वों से सवाल आते हैं तो जनजाति और पर्व इन्हें ही हमें मैच करना होता है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर।
अगला सवाल है, गोबर बोहरानी तिहार किस जिले में प्रचलित है? ए सुकमा, बी सरगुजा, सी कोरबा या डी कबीरधाम। तो ये जो पर्व है ना, ये सुकमा जिले के अंतर्गत छिंदगढ़ विकास खंड में प्रचलित है। इस पर्व को छिंदगढ़ विकास खंड के कुछ ग्रामों में चैत्र के माह में 10 दिनों तक मनाया जाता है। और इस पर्व में किया क्या जाता है, तो ग्राम के मैदान में ग्राम देवी की स्थापना की जाती है। उसके बाद वहां के लोग जो हैं वो सुबह शिकार के लिए जाते हैं, शाम को फिर सभी इस मैदान में एकत्रित होते हैं, नृत्य गान का आयोजन करते हैं। इस मैदान में एक गड्ढा निर्मित किया जाता है जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा गोबर डाला जाता है। 10 दिनों तक इस प्रकार से इस पर्व को मनाया जाता है। फिर उसके बाद 10वें दिन वो जो गोबर है जिसे उस गड्ढे में डाला गया है, उसी गोबर की होली खेली जाती है। उस गोबर को निकाल के एक दूसरे को लगाया जाता है, एक दूसरे को छिड़का जाता है और थोड़ा थोड़ा गोबर वहां से निकाल कर अपने खेतों में ले जाकर डाल दिया जाता है। तो क्या है ये, किस लिए इस प्रकार का पर्व मनाया जा रहा है? तो अच्छी फसल की कामना के लिए। देखिए, ये जो गोबर है ना, ये 10 दिनों तक गड्ढे में रहकर खाद का स्वरूप धारण कर चुका है और ये खाद ये देवी का प्रसाद है। इस प्रसाद को खेत में डाला जाता है ताकि उस भूमि की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाए और वहां पर अनाज की पैदावार अधिक हो। मतलब कि अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि अच्छी फसल की कामना के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित पर्व से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट, कर्मा पर्व बस्तर का प्रमुख पर्व है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कर्मा पर्व बस्तर का प्रमुख पर्व नहीं है, इसे पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में मनाया जाता है और मुख्य तौर पर उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ना कि बस्तर में। ठीक, तो ये जो कर्मा पर्व है ये स्पेशली उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और अलग अलग समुदाय के लोगों के द्वारा इसे मनाया जाता है और अलग अलग समुदाय में अलग अलग मान्यता के साथ मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इस पर्व को मनाया क्यों जाता है, तो करम देवता या फिर कर्म की प्रधानता को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। इस पर्व में कर्म देवता की पूजा की जाती है, कर्म इनके जीवन में कर्म की प्रधानता को शो किया जाता है, कहीं कहीं कर्म सेनी वृक्ष की पूजा की जाती है। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इस पर्व में क्या होता है, तो इस पर्व में किसी भी ग्राम के जो मुखिया होते हैं उनके घर के आंगन में कर्म सेनी की वृक्ष को स्थापित किया जाता है, वहां पर पूजा की जाती है, उसके बाद कर्मा गीत के साथ कर्मा नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से इस पर्व को मनाया जाता है। इस अवसर पर बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए उपवास भी रखती है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट, गौरा पर्व दिवाली के अवसर पर गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो हाँ, गौरा पर्व, ये पर्व जो है ना, ये वास्तव में गौरी और गौरा का विवाह उत्सव है। पूरे रीति रिवाज के साथ शिव और पार्वती की का विवाह रचाया जाता है और दिवाली के दिन इनकी प्रतिमा की पूजा की जाती है। इनकी प्रतिमा को कुंवारी मिट्टी से बनाया जाता है और दूसरे दिन इनकी प्रतिमा को समीप के नदी तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। तो हाँ, ये दिवाली के अवसर पर मनाया जाता है, ये मुख्य तौर पर गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन अब तो ये पूरे अंचल का ही पर्व बन चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है कि गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, तो हाँ, गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा तो मनाया जाता है। अगर इस स्टेटमेंट में ये लिखा होता कि गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा ही मनाया जाता है, तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। क्या केवल गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो नहीं, इसे तो समूचे अंचल के लोगों के द्वारा मनाया जाता है और ये वही अवसर है जिस अवसर पर महिलाओं के द्वारा सुवा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अभी तो ये करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, गोंचा पर्व ज्येष्ठ के माह में मनाया जाता है। तो गोंचा पर्व को ज्येष्ठ के माह में नहीं बल्कि आषाढ़ के माह में मनाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से लेकर पूरे 10 दिनों तक इस पर्व को मनाया जाता है। इस अवसर पर
श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलदाऊ या बलभद्र के विग्रहों को रथ में स्थापित करके रथ का परिचालन किया जाता है और उनकी प्रतिमाओं को, उनके विग्रहों को जगदलपुर में सिरहासार भवन में लाया जाता है। वहां पर इनकी स्थापना की जाती है, इनकी पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद फिर वापस रथ परिचालन करके ये जो दसवें दिन में फिर से इन्हें वापस इनके मंदिर में, जगदलपुर में इनका मंदिर है, जगन्नाथ का मंदिर है, तो वहां पर इन्हें पुनः स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ज्येष्ठ के माह में नहीं बल्कि आषाढ़ के माह में मनाया जाता है इस पर्व को। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। और हमें क्या असत्य कथन को चुनना है, तो पहला और तीसरा ये दोनों असत्य है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। बस्तर का दशहरा से संबंधित निम्न कथन पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट, बस्तर में यह पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है, तो नहीं, बस्तर में यह पर्व पूरे 75 दिनों तक मनाया जाता है। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला ये पर्व है और इसकी शुरुआत कब से होती है, तो श्रावण अमावस्या से इसकी शुरुआत हो जाती है। पहला रस्म पाठ यात्रा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इस पर्व में मुरिया दरबार का आयोजन किया जाता है, तो हाँ, इस पर्व में मुरिया दरबार का आयोजन किया जाता है। अश्विन शुक्ल द्वादश को, देखिए ये वही अवसर है ना जब पूरे भारत में नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। अश्विन के माह में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और दसवें दिन के बाद ये द्वादश का दिन आता है। ठीक है, अश्विन शुक्ल द्वादश को जगदलपुर में सिरहासार भवन में शाम को 5 बजे मुरिया दरबार का आयोजन किया जाता है। इस दरबार में होता क्या है, तो ये एक प्रकार की मीटिंग होती है जहां पर उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में जन समस्याओं पर चर्चा किया जाता है। वहां पर जो भी समस्याएं हैं उसकी चर्चा की जाती है और उसका निदान करने का प्रयास किया जाता है। मुरिया दरबार का आयोजन पहली बार मुरिया विद्रोह के परिणाम स्वरूप मैक जॉर्ज ने जगदलपुर में 8 अप्रैल 1876 ईस्वी को किया था और आदिवासियों के मन में जितने भी असंतोष थे उन सब को दूर कर दिया था। ठीक है, और उस दौरान उन्होंने आदिवासियों के असंतोष को दूर किया था। तो ध्यान रखिएगा कि मुरिया विद्रोह 1876 ईस्वी में हुआ था और उसके परिणाम स्वरूप पहली बार मैक जॉर्ज के द्वारा मुरिया दरबार का आयोजन किया गया था और तब से लेकर अभी तक प्रति वर्ष मुरिया दरबार का आयोजन बस्तर के दशहरे के पर्व के अवसर पर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, इसका आयोजन दंतेवाड़ा में देवी दंतेश्वरी के मंदिर के समीप किया जाता है, तो नहीं, दंतेवाड़ा के तराला ग्राम में देवी दंतेश्वरी का शक्तिपीठ है। शंखनी डंखनी नदी के संगम पर देवी दंतेश्वरी का शक्तिपीठ है, पर वहां इसका आयोजन नहीं किया जाता बल्कि जगदलपुर में, जहां पर राजमहल है, काकतीय वंश के राजाओं का राजमहल है, वहां पर उसके प्रांगण में भी देवी दंतेश्वरी का मंदिर है, वहां जगदलपुर में इस पर्व का आयोजन किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। तो इस प्रकार से केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और हमें सत्य कथन को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का सूची 1 लोक पर्व और सूची 2 समय, इन दोनों को हमें सुमेलित करना है। भोजली कब मनाया जाता है, भादों की माह में। अक्ति क्या है, ये अक्ति, ये वास्तव में पुत्रा पुत्री विवाह है, पुत्रा पुत्री, पुत्रा पुत्री विवाह है। इसे बैसाख के माह में मनाया जाता है। मातर का पर्व, राउत समुदाय के लोगों के द्वारा मातर का पर्व दिवाली के दूसरे या तीसरे दिन मनाया जाता है, कार्तिक माह में मनाया जाता है। और छेरछेरा का पर्व पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब देखते हैं क्या क्या होता है इस पर्व में। सबसे पहले हम बात करते हैं भोजली की। क्या है भोजली, इस पर्व को भादो माह में मनाया जाता है ना। थोड़ा हम कैलेंडर देख लेते हैं। ये है सावन का महीना, पहले आएगा कृष्ण पक्ष, फिर आएगा अमावस्या, देन शुक्ल पक्ष एंड देन पूर्णिमा, और फिर ये मंथ कंप्लीट। अब स्टार्ट होगा भादो, भादो या भाद्रपद।
पहले कृष्ण पक्ष देन अमावस्या, यहीं तक की चर्चा करते हैं। तो देखिए सावन शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है और इसी अवसर पर मिट्टी के बर्तन में या फिर टुकनी में मिट्टी और खाद डालकर उसमें अनाज को बोया जाता है। फिर 5 से 6 दिन के बाद वो एक पौधे का रूप धारण कर लेता है जिसे ही भोजली या जवारा कहा जाता है। इस प्रकार से यह आने वाले फसल का प्रतीकात्मक स्वरूप होता है, मतलब कि आने वाला फसल जो है उसके अच्छे या बुरे होने का प्रतीक होता है। अगर ये पौधा जो 5 से 6 इंच का है, अगर ये पौधा आपको हरा भरा दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके फसल की पैदावार भी अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से अच्छी फसल की कामना के लिए इस भोजली को बोया जाता है, इसकी प्रतिदिन पूजा की जाती है और उसके बाद पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और फिर रक्षाबंधन के दूसरे दिन मतलब कि भादो कृष्ण प्रथमा को या प्रतिपदा को इस भोजली का विसर्जन समीप के नदी या तालाब में महिलाओं के द्वारा कर दिया जाता है। इस समय महिलाओं के द्वारा भोजली गीत गाया जाता है और एक गीत है देवी गंगा लहर तुरंगा तुमरो नहरमा भोजली के भीजे आठो गंगा, मतलब कि देवी गंगा से ये विनती की जा रही है कि जिस प्रकार से ये जो भोजली का पौधा है ये नदी तालाब में पूरा भीग जा रहा है, उसी प्रकार से हमारा फसल भी है वो वर्षा से या पानी से भीग जाए और खेतों में उन्नत फसल की पैदावार हो। तो इस प्रकार से महिलाओं के द्वारा भोजली का पर्व मनाया जाता है, नाग पंचमी को ये भोजली बोया जाता है और फिर प्रतिदिन उसकी पूजा की जाती है, उसकी सेवा की जाती है। फिर भादो कृष्ण प्रथमा को समीप के नदी तालाब में एक शोभा यात्रा निकालकर इसका विसर्जन कर दिया जाता है। क्या सभी भोजली को विसर्जित कर दिया जाता है? तो नहीं, सभी भोजली को विसर्जित नहीं किया जाता, कुछ भोजली को लेकर वापस आया जाता है और मंदिर में चढ़ाया जाता है। भोजली का पर्व मित्रता का भी प्रतीक होता है। इस दिन मित्र अपने दूसरे मित्र के कान में इस भोजली के 2-3 पौधों को डालते हैं और जीवन भर साथ निभाने का वचन भी देते हैं एक दूसरे को, तो ये मित्रता का भी प्रतीक होता है। ठीक है, अक्ति अक्ति बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, ये अक्षय तृतीया का दिन है। ठीक है, इस दिन जो बच्चे होते हैं वो गुड्डा गुड्डी का विवाह रचाते हैं पूरे रीति रिवाज के साथ। इसके पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐसी मान्यता है कि जब गंधारी का लग्न किसी भी पुरुष के साथ नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं कोई विघ्न तो आ ही जा रहा था, तब क्या हुआ था कि ऋषियों के कहने पर पहले पुत्र और पुत्री का विवाह किया गया और उसके बाद फिर गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ संपन्न किया गया और तब से पुत्र और पुत्री का विवाह किया जाता है। ठीक है, अक्षय तृतीया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है ना, ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी कार्य अक्षय फल देता है, चाहे विवाह की बात हो या फिर कोई वस्तु खरीदने की बात हो या गृह प्रवेश की बात हो, हर शुभ कार्य को इस दिन किया जाता है। आप इस दिन कोई भी कार्य करें, ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया हर कार्य शुभ होता है। ठीक, मातर का पर्व राव समुदाय के लोगों के द्वारा कार्तिक माह में मनाया जाता है, कहीं कहीं इस पर्व को गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन मनाया जाता है तो कहीं कहीं इस पर्व को गोवर्धन पूजा के तीसरे दिन मनाया जाता है। तो हम ऐसे सार में कह सकते हैं कि इस पर्व को कार्तिक शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे छेरछेरा की। तो छेरछेरा का पर्व पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्या होता है कि पौष पूर्णिमा के अवसर पर ये वो समय है जहां पर अनाज खलिहान से घर में आ चुका है, मतलब कि फसलों की कटाई हो चुकी है और खलिहान से खेत से ये फसल जो है घर में आ चुके हैं। धान को घर के जिस क्षेत्र में रखा जाता है, जिस कमरे में रखा जाता है, उसे कोठी कहा जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। इस पर्व के अवसर पर सुबह से ही बच्चे युवक युवती घर घर जाकर अन्न का दान मांगते हैं और गीत गाते हैं, छेरछेरा कोठी के धान ला हेर हेरा, मतलब कि वो कह रहे हैं कि अपने कोठी के धान को निकाल कर हमें अन्न का दान दीजिए। और इस प्रकार से सामूहिक रूप से इस पर्व को मनाया जाता है। ठीक है, तो हमने इसका मैच देख लिया था ना, ए का 2, बी का 4, 3 का 1, ए का 2, बी का 4, 3 का 1 और सी का 3।
तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बहुत क्लियर हमें नहीं दिख रहा है, हम इसे क्लियरली देख लेते हैं। ए का भोजली का पर्व भादो के माह में, टू। बी का अक्ति बैसाख, फोर। मातर कार्तिक, सी का थ्री और छे छेरा, सी का वन और छे छेरा, डी का थ्री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के लोक पर्व से संबंधित निम्न कथन पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट, अमूस तिहार पशु चिकित्सा से संबंधित पर्व है। तो हाँ, जनजातीय अंचल में सावन अमावस्या के दिन अमूस तिहार मनाया जाता है और इस दिन पशुओं की बीमारी से रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों को पूजा की जाती है। देखिए, बैगा के द्वारा इन औषधियों की पूजा की जाती है और इन्हीं औषधियों को पशुओं को खिलाया जाता है और इसमें विशेष तौर पर रसना और शतावरी पौधों का महत्व होता है। ठीक, हरेली पर्व में राव समुदाय के लोगों की विशेष भागीदारी होती है। देखिए, अमूस तिहार और हरेली, इन दोनों पर्व को सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक, अब देखिए हरेली तिहार में होता क्या क्या है। तो पहली बात, इसे सावन अमावस्या को मनाया जाता है। दूसरी बात, ये मेनली कृषकों का पर्व है। अभी धान की बुआई रोपाई हो चुकी है, अब कृषक अपने लौह उपकरणों को धोकर इन लौह उपकरणों की पूजा करते हैं। लौह उपकरण मतलब जो कृषि उपकरण है, ठीक है, नांगर गैती, ये जितने भी इनके कृषि उपकरण है, इसकी इस अवसर पर ये पूजा करते हैं। अपने ग्राम देवी देवता की पूजा करते हैं, ग्राम देवी देवता और कुल देवी देवता की पूजा करते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं। ठीक, महिलाएं घर में विशेष तौर पर गुड़ का चीला बनाती है। बच्चे इस दिन गेड़ी पर चढ़ते हैं, गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, नारियल फेर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और ये जो राउत समुदाय के लोग हैं ना, ये लोग सुबह से ही घर घर जाकर नीम की डालियों को घर के द्वार पर रख देते हैं। देखिए, बारिश का मौसम है तो घर के लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर नीम की डाली को घर के द्वार में और गाड़ियों में रखा जाता है। चूंकि नीम विषाणु नाशक होता है, इस प्रकार से बीमारियों से रक्षा के लिए इस नीम की डाली को घर के द्वार पर और गाड़ियों में रखा जाता है। तो ये है राउत समुदाय के लोगों की भागीदारी। हरेली अमावस्या, ये अमावस्या का दिन है, ठीक है, रात का समय। ऐसी लोक मान्यता है कि रात के समय में आसुरी शक्तियां तंत्र मंत्र जादू टोना सिद्ध करती है और इसीलिए रात के समय में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। बैगा ग्राम को चारों तरफ से बांध देता है और घर के मुख्य दीवारों पर, जो फ्रंट फेस होता है, उस दीवारों पर गोबर से चित्रकारी की जाती है ताकि कोई भी आसुरी शक्ति घर में प्रवेश ना कर सके। और दरवाजों पर जो द्वार होता है ना, उसमें कील ठोका जाता है। इस कील को पाती कहते हैं, जिसे लोहार के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इस दिन घर के द्वार पर पाती भी ठोका जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। खमरछठ का पर्व भादो शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। तो देखिए, खमरछठ का पर्व भादो शुक्ल षष्ठी को नहीं बल्कि भादो कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्या है खमरछठ? खमरछठ या कमरछठ, इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, पुत्र की सुख समृद्धि के लिए और पुत्र की प्राप्ति के लिए उपवास रखती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर केवल और केवल पुत्र की बात की जा रही है। संतान में पुत्र और पुत्री दोनों आते हैं, यहाँ पर केवल पुत्र की मनोकामना की जाती है। ठीक है, माताएं सुबह से महुआ वृक्ष की डाली से दातून करके उपवास रखती है। उसके बाद दिन में ग्राम के चौपाल में या फिर गांव के आंगन में सामूहिक रूप से छोटा तालाब, प्रतीकात्मक रूप से तालाब बनाकर वहां पर हरसरसी देवी की पूजा की जाती है। चूंकि इस पर्व को षष्ठी को मनाया जाता है, इसलिए छह की संख्या का विशेष महत्व होता है। यहाँ पर हरसरसी देवी की छह प्रकार की कथा सुनाई जाती है, छह प्रकार की भाजी का उपयोग किया जाता है प्रसाद के रूप में, बच्चे वहां पर छह प्रकार के खिलौने को पूजा के समय उपयोग किया जाता है, छह प्रकार के खिलौने होते हैं। तो इस प्रकार से छह की संख्या का विशेष महत्व होता है। और चूंकि इस दिन बलराम जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, इसीलिए
इस दिन हल से जुते हुए अनाज को ग्रहण नहीं किया जाता था, और इसी कारण से इस पर्व में पसहर चावल का विशेष महत्व है। ये ऐसा चावल है जो कि भूमि में बिना हल जुते हुए ही पैदा हो जाता है, ठीक है। ये लाल रंग का दिखता है। पसहर चावल को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। प्रसाद के रूप में देखिए, पसहर चावल, भैंस के दूध, दही और घी, सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर पूजा के बाद क्या होता है? पूजा के बाद माँ अपने पुत्र को पोता मारती है। ये एक प्रकार का हल्दी चढ़ाया हुआ एक कपड़ा होता है जिसे वो पोता मारती है, और उसके बाद फिर उसे अपने आंचल से पोंछती है। ये माँ के द्वारा पुत्र को दिया हुआ रक्षा कवच होता है, और उसके बाद फिर प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। प्रसाद को महुआ के पत्ते के दोनों में ग्रहण किया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। पोला पर्व का प्रमुख व्यंजन गुड़ का चीला है? तो नहीं, पोला पर्व का प्रमुख व्यंजन गुड़ का चीला नहीं है। गुड़ का चीला ये प्रमुख व्यंजन हरेली पर्व का है। पोला पर्व के अवसर पर ठेठरी और खुरमी बनाया जाता है। ठेठरी और खुरमी ये पोला पर्व का प्रमुख व्यंजन है। पोला पर्व को कब मनाया जाता है? तो इस पर्व को भादो अमावस्या के दिन मनाया जाता है। देखिए, ये वो समय है जब धान की बुआई हो चुकी है। अब कृषकों के द्वारा अपने बैलों को धन्यवाद अर्पित करने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है, क्योंकि कृषि के दौरान जहां जहां किसान होते हैं वहां वहां बैल भी होते हैं, और यहाँ पर केवल एक बैल नहीं होते बल्कि बैलों की जोड़ी होती है। तो यहाँ पर इस पर्व के अवसर पर बैलों को स्नान कराया जाता है, उनको सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, और उन्हें खिचड़ी खिलाया जाता है। इनके मनोरंजन के लिए बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, बैल सजाव प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। मतलब कि जो पर्व है वो पूर्ण रूप से बैलों पर केंद्रित होता है। ये बैल और किसानों के संबंध को शो करता है, ठीक। तो इस दिन क्या होता है, विशेष तौर पर बैलों की पूजा की जाती है, बैलों की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पर तीसरा और चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सही कथन को चुनना है ना, एक और दो सही कथन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पर्व बाकियों से पृथक है? यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है बस्तर का दशहरा, बी हरेली, सी छेरछेरा और डी अमूस तिहार। ये बिल्कुल रीजनिंग का सवाल है, आपको वो आधार ढूंढना होगा जिस आधार पर ये तीनों पर्व बाकी चौथे से पृथक हैं। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का सवाल पूछा जाए ना, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि इस पर्व को कब मनाया जाता है, ठीक। तो देख लेते हैं कि इस पर्व को कब मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत, बस्तर के दशहरे की शुरुआत सावन या श्रावण अमावस्या से होती है। हरेली के पर्व को भी सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है। छेरछेरा के पर्व को पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और अमूस तिहार को भी सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो देख रहे हैं कि बस्तर का दशहरा, हरेली और अमूस तिहार, इन तीनों पर्व को सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जबकि छेरछेरा के पर्व को पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें पहले ही आधार से समझ में आ गया कि ये जो छेरछेरा का पर्व है ना, ये बाकी तीन से तो भिन्न है। इसका जो आयोजन है वो श्रावण अमावस्या को तो नहीं किया जाता है। अगर यहां से आपको ना समझ में आए कि इन चारों में पृथक कौन सा है, तो फिर आप दूसरे स्टेप पर जाइए। दूसरा स्टेप क्या कि किस उद्देश्य से इस पर्व को मनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर तो देवी दंतेश्वरी की पूजा आराधना की जाती है। हरेली का पर्व ये कृषकों का पर्व है। छेरछेरा ये फसल से संबंधित है ना, और ये अमूस तिहार का पर्व पशु औषधि से संबंधित है। तो अलग अलग उद्देश्य है, यहाँ पर कुछ भी सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आधार को वन बाय वन करके रखना होगा, और उसके आधार पर देखना होगा कि ये कोई भी विषय, चाहे पर्व हो, चाहे गीत हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, ये कैसे बाकियों से पृथक है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्न में से किस पर्व के अवसर पर चित्रकारी नहीं की जाती? ऑप्शन नंबर ए दियारी,
दयारी एक्चुअल में गोवर्धन पूजा को लोक अंचल में दयारी कहा जाता है, ठीक है। और इस अवसर पर घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाई जाती है, मतलब कि चित्रकारी तो की जाती है। हरेली, हरेली के पर्व के अवसर पर हमने देखा था ना कि इस दिन घर के बाहरी दीवारों पर गोबर से चित्रकारी की जाती है, जिसे सवनाही कहा जाता है। तो हाँ, इस अवसर पर भी चित्रकारी की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर घर की दीवार पर जहाँ पर पूजा की जाती है श्री कृष्ण की, वहां पर आठे कन्हैया की चित्रकारी की जाती है। आठ कन्हैया कौन कौन से? तो जैसा कि हमें पता है कि देवी की, जो श्री कृष्ण की माता है, उनके पहले श्री कृष्ण से हुए पहले सात पुत्रों की कंस के द्वारा हत्या कर दी गई होती है और श्री कृष्ण उनके आठवें पुत्र होते हैं। तो इस प्रकार से आठ कृष्ण की प्रतिमा यहाँ पर बनाई जाती है। तो इस अवसर पर भी चित्रकारी की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? यहाँ पर समय दिया गया है और दूसरी तरफ मेले या मड़ई का नाम दिया गया है। तो फागुन के माह में देवी दंतेश्वरी का मेला लगता है। तो हाँ, फागुन के माह में देवी दंतेश्वरी के शक्तिपीठ शंखनी डंखनी नदी पर स्थित देवी दंतेश्वरी के मंदिर के समीप देवी दंतेश्वरी के निमित्त 10 दिवसीय मेला लगता है। 10 दिवसीय मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। पौष पूर्णिमा को तुरतुरिया का मेला लगता है। हाँ, पौष पूर्णिमा को, पौष माह में पौष पूर्णिमा को मेला लगता है। ये मेला 3 दिवसीय होता है। माघ, माघ के माह में रामनामी मेला लगता है। तो नहीं, माघ के माह में नहीं, ये पौष के माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला भी 3 दिवसीय होता है, ठीक। और चैत्र, चैत्र पूर्णिमा को खल्लारी का मेला लगता है। हनुमान जयंती के अवसर पर खल्लारी का मेला लगता है, खल्लारी में लगता है। महासमुंद जिले के अंतर्गत प्लेस है। यहाँ पर भी 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है, चैत्र पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा और फागुन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैच नहीं है। ये रामनामी मेला क्या होता है? तो ये एक्चुअल में इसका वास्तव नाम बड़े भजन का रामनामी मेला है। इस मेले की खासियत ये है कि इस मेले का आयोजन राम नामी समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। अब ये समुदाय भी विशेष है। इस समुदाय की पहचान क्या है? तो इस समुदाय के लोग अपने पूरे शरीर में, शरीर के सभी अंगों में राम नाम का गुदना गुदवाते हैं। सर में मयूर पंख वाला मुकुट धारण करते हैं, जिसमें भी एक पोर्शन में राम नाम लिखा होता है। पैरों में घुंघरू पहनते हैं और राम नामी का चादर ओढ़ते हैं। तो इस प्रकार से राम नामी समुदाय के लोगों का नाम राम नामी क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने अपने अंग अंग में राम के नाम को बसा लिया, इसलिए इन्हें राम नामी समुदाय कहा जाता है। और इस मेले को बड़े भजन का राम नामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मेले में राम के भजन भजन को गाया जाता है, जो कि बहुत लंबा लंबा भजन होता है, बहुत बड़ा होता है। इसलिए इस मेले का नाम बड़े भजन का राम नामी मेला है। ये समुदाय के लोग विशेष तौर पर जांजगीर चांपा जिले के आसपास के ग्राम में निवास करते हैं। 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है और इसकी खासियत ये है कि अगर इस वर्ष महानदी के इस तरफ मेले का आयोजन किया गया है तो दूसरे वर्ष महानदी के दूसरी तरफ मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, खोड़हर देव संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है गोवर्धन पूजा से, मातर से, तीजा से या खमरछठ से। तो ये जो खोड़हर देव है ना, ये राउत समुदाय के लोगों के देवता है। खोड़हर शब्द खांडा से आया है और खांडा का अर्थ होता है तलवार, जो कि मातृशक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार से मातृशक्ति तलवार की यहाँ पर पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? वन बाई वन करके समझिएगा। देखिए, ये राउत समुदाय के लोगों के देवता हैं और मातर पर्व के अवसर पर दहिहान में खोड़हर देव की पूजा की जाती है। दहिहान कौन सी जगह? जहां पर पशुओं को चराने के लिए एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, उस स्थान को दहिहान कहा जाता है। तो गाँव के दहिहान में, गांव के दहिहान के बीचों बीच
खोड़हर देव की स्थापना की जाती है और उसके बाद राव समुदाय के लोगों के द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है। ये जो खोड़हर देव है ये वास्तव में लकड़ी की प्रतिमा होती है जिसे दहिहान के बीचों बीच स्थापित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और इस पर्व को मनाया जाता है। और इस पर्व को क्या कहा जाता है? मातर पर्व कहा जाता है। वास्तव में मातर पर्व को मातर जगाना भी कहते हैं। अब देखिए, मैंने क्या बताया था कि खोड़हर शब्द खांडा से आया है और खांडा का अर्थ तलवार होता है, जिसका जो तलवार है, ये जो तलवार है ये मातृशक्ति का प्रतीक होता है। तो इस प्रकार से इस पर्व में मातृशक्ति को जगाया जाता है, मातृशक्ति की पूजा करके मातृशक्ति को जगाया जाता है। इसीलिए इस पर्व को मातर जगाना भी कहते हैं। क्यों जगाया जाता है? ताकि जी ये जो मातृशक्ति है ना, ये उनके पशुओं की रक्षा कर सके। राव समुदाय के लोग, ये पशुपालक जाति है ना, ये विशेष रूप से पशुओं को पालती है और इसीलिए इस पर्व को पशुपालक जाति के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व भी कहा जाता है। ठीक है, दहिहान में इस पर्व का आयोजन किया जाता है, खोड़हर देव की पूजा की जाती है, फिर उसके बाद नृत्य का आयोजन किया जाता है। बड़े बड़े डॉट से डंडे को हाथ में रखकर नृत्य का सामूहिक रूप से आयोजन किया जाता है और उसके बाद फिर भोज का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से राव समुदाय के लोगों के द्वारा मातर का पर्व मनाया जाता है। तो सीजीपीएससी प्री में लोक पर्व से संबंधित इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। अगर जनजाति अंचल के सवाल हैं तो जनजाति और पर्व, ये पर्टिकुलर पर्व किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। और अगर लोक अंचल की बात की जाए तो लोक अंचल से संबंधित पर्वों को कब मनाया जाता है, किस उद्देश्य से मनाया जाता है और उसमें अगर कुछ विशेष है तो उसको पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोक नृत्य और लोक नाट्य से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।